मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। बनते ही अकल खो बैठा, जानता नहीं कुएं में एक बूंद पानी नहीं है, या पानी के लिए कहीं और जा। पंडित जी, यज्ञ में देर किस बात की? अन्नदाता, कुंवर जी के ग्रह शांति का ये यज्ञ शास्त्रों विधि से होगा। हाँ, इसमें थोड़ा भी विघ्न पड़ गया तो कुंवर जी की दशाएं दूर होने में बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए कुंवर जी के स्नान के लिए 7 ब्राह्मण शुद्ध जल शुद्ध हाथों से लेने गए, आते ही होंगे। अरे वो देखो लत्तू अचूत तालाब से पानी भर रहा है, सारा तालाब भ्रष्ट कर दिया है। चलो चलो जमींदार जी को सूचना दें। क्या मतलब? अनर्थ हो गया अन्नदाता, तालाब का सारा जल भ्रष्ट हो गया। वो कैसे? वो नत्थु अछूत अपनी गागर मंदिर के तालाब में डुबोकर भर ले गया। यज्ञ में विघ्न पड़ गया। शांतम पापम, अब कुंवर जी के भविष्य को भगवान जाने क्या होगा। फतेह बहादुर जी सर, घोड़ों का इंतजाम करो। मैं इस नत्थु को ऐसा सबक दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कमीने सलीम, मंदिर के तालाब के पानी को भ्रष्ट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बच्ची को नहलाना था भाई बाब, कई बार पानी नहीं मिला तो क्या करता? क्या करता? फतेह बहादुर जी सरकार, इस हरामजादे की हड्डी पसली तोड़ डालो। हार मारो साले को। अरे नथु ने खून कर दिया। नथु को जिंदा मत छोड़ो, जान से मार डालो साले को। देखो पूरी बस्ती में आग लगा दो। शांति शांति शांति। ओम।
पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सुभाग्या ध्यानरक्षति ध्यानरसो तुष्टिरसो पुष्टिरसो आयुष्मत्सो आरोग्यमत्सो सकलेश्वर्याभिवृद्धिरसो। श्यामल सिंह, हम लोगों का शरीर क्या इतना गंदा है कि पानी को छूते ही सारा तालाब भ्रष्ट हो गया। तुम अमीर लोग गरीब को सरा से पानी की इतनी बड़ी सजा देते हो, याद तो बुझ रही है, बुझ जाएगी। पर तूने जो आग मेरे मन में भड़काई है, उसे मंदिर का तालाब तो क्या समंदर भी नहीं बुझा सकता। मौत तो हर दुख का अंत है, तेरा बदला इस तरह पूरा नहीं होगा। जैसे तू तड़प रहा है, वैसे ही इसको जिंदा रखे जिंदगी भर तड़पा। तो नथु का है, यहाँ कैसे है? ये अंगूठा नथु का है। कमीने, भेड़िये तुम मेरे बेटे को उठाकर ले गया। फतेह बहादुर, रियासत का कोना कोना छान मारो, कोई गली कोई घर कोई झोपड़ा मत छोड़ो, बस्ती में तलाश करो, जंगल में ढूंढो, जाओ पुलिस को खबर कर दो। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। मर गई तेरी माँ? नहीं तो मेरे बाप के पास। तेरा बाप भी मर गया, एक नंबर का चोर था वो, गरीबों को मारता था वो। तुम कौन हो? मैं तेरा चाचा। तुम मेरे चाचा नहीं हो। मैं तेरा चाचा हूँ। कौन? मैं तेरा चाचा हूँ। जा किसी सड़क पे जा, वहाँ जाके भीख मांग। भीख मांगना बुरी बात है? बुरी बात? मेरी बात सुन, जैसे बोलता हूँ मैं तो तेरी आँख तोड़ दूंगा, तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा और सड़क पे फेंक दूंगा, फिर तुझे भीख मिल जाएगी। नहीं चाचा, ऐसा नहीं करना। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे कर। बैठ जाओ, घुटने के बल बैठो, बैठो, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ और बोलो बाबा तेरी माँ मर गई है, बाबा तेरा बाप मर गया, बाबा मुझे भूख लगी है, बाबा भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, बाबा बोल। बाबा मेरी माँ मर गई है, बाबा मेरा बाप मर गया है। और रोके, और रोके। मुझे बहुत भूख लगी है,
मुझे भगवान के लिए कुछ खाने को दो। जा भाई जा, जा जा बच्चू, जा मैं जा खाने दो। पढ़ना लिखना तेरा काम थोड़ी है। तो फिर मैं क्या करूँ? छोरी तो छोरी। अरे चाचा, अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर जेल की आग खाने पड़ेंगे। अरे सब चोर थोड़ी जेल में जाते हैं, सिर्फ हराड़ी चोर जेल में जाते हैं, और जितने होशियार चोर है ना, सब जेल के बाद मजा करते हैं। मजा तो फिर सिखा। चल ठाकुर साहब, बेटी की शादी भरत हो। शुक्रिया शुक्रिया मान सिंह जी, आज अगर प्रताप होता तो उसकी भी शादी बहुत धूमधाम से करता। होने को कौन टाल सकता है ठाकुर साहब, भगवान की दया से अगले बरस आपकी गोद में नाती खिलेगा और आप सब दुख भूल जाएंगे। इसी उम्मीद पर तो जी रहा हूँ मान सिंह जी। नाम क्या नाम है तुम्हारा? शेरा। बाप का नाम? जना साहब, किसी भी रजिस्टर में अपन के बाप का नाम, जात का नाम, खानदान का नाम, इसका नाम, उसका नाम वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अपन तो सीधा साधा हिंदुस्तानी है। जना साहब, सच मानो अगर सारी जनता अपन जैसी हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। ये भाषण कहां से सीखा? तू चोर है या लीडर? हे जना साहब, अपन को गाली दे लो मगर लीडर मत बोलो। अपन तो खुला बोलता है, अपन चोर है, जरूरत पड़ती है चोरी करता है, पकड़ा जाता है, जल के हवा खाता है। बस बस, तुम्हारा अपना कोई है या नहीं? सारी दुनिया अपन की है जला साहब, अपन तो यारों का यार है। फिर भाषण शुरू कर दिया। हम पूछता है तुम रहता किसके साथ? हाँ तो ऐसा बोलो ना, अपन का एक चाचा है जला साहब, उसी ने हमको सड़क से उठाकर इतना बड़ा किया है। अजीब चक्कर है। खैर ये लो 200 रुपया। तुमने 6 महीने यहाँ रहकर जो मेहनत की उसकी मजदूरी, हाँ तुम जा सकते हो।
अच्छा जनाब साहब सलाम। मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार, नफरत से मुझे है नफरत, नफरत से मुझे है नफरत, और प्यार से मुझको है प्यार, और प्यार से मुझको है प्यार, मैं यारों का हूँ यार। जिस गुलशन से गुजरूं, मैं जिस गुलशन से गुजरूं, हर फूल वहां खिल जाए, पत्ते पत्ते से पूछो तो मेरा पता मिल जाए, सब है मेरे चाहने वाले, सब है मेरे चाहने वाले, सब का हूँ मैं दिलदार, मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार। मतलब से भरी ये दुनिया, मतलब से भरी ये दुनिया, यहाँ प्यार कहीं ना देखा, हर कदम कदम पे ठोकर, हर बात बात में धोखा, लेकिन इस दुनिया में मुझको, लेकिन इस दुनिया में मुझको प्यार पे है एतबार, मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार। इतना ही काम है मेरा, ओ इतना ही काम है मेरा, बस काम किसी के आना, बरसों से जो दिल बिछड़े है उनको गले मिलाना, आओ हम सब मिलकर तोड़े, आओ हम सब मिलकर तोड़े नफरत की दीवार, मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार, नफरत से मुझे है नफरत, नफरत से मुझे है नफरत, और प्यार से मुझको है प्यार, और प्यार से मुझको है प्यार, मैं यारों का हूँ यार, मैं यारों का हूँ यार। मंदिर के तालाब के पानी को निकास करने की तेरी हिम्मत कैसे है? अतः बहादुर जी सरकार, इस हरामजादे की हड्डी पर तुम चोट डालो। शेरा कौन से तक कैसा है?
देखो तुम्हारे लिए आज अपन मेहनत की कमाई लेकर आया है। पूरे 200 रुपए। 200 रुपया कमाल है चाचा। तुम्हें खुश करने के लिए मैंने बचपन से चोरी की, लोगों की मार खाई, कई बार जेल की चक्की पीसी, सब कुछ किया, फिर भी वही नफरत, वही गुस्सा। ये नफरत और गुस्सा उस वक्त तक रहेगा जब तक जिसने मुझे तबाह किया उसे बर्बाद में कर डालू। कौन है वो चाचा? रामगढ़ का जमींदार ठाकुर जयमल सिंह। रामगढ़ का जमींदार ठाकुर। चाचा ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें तड़पाने वाले को मैं कब का मार चुका होता चाचा। उसे मारने का मौका तो मुझे भी मिला था बेवकूफ, लेकिन मुझे उसे मारना नहीं है, जिंदा रख के जिंदगी भर तड़पाना है। उसके दिल पर एक घाव लगा चुका हूँ, उससे गहरा एक घाव और लगाना है। चाचा बोल कर देखो, शेरा की जान भी चली जाएगी फिर भी पीछे नहीं हटेगा। तो सुन, उसकी तिजोरी में लाखों के चवारात हैं, वही उसका आखिरी सहारा है। अगर तू जवारात को चुरा लाएगा तो वो भी मेरी तरह भिखारी बन जाएगा और मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। चाचा चोरी करने में तो अपन उस्ताद है उस्ताद। इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे बड़ा किया है। पंडित जी, बालक की कुंडली क्या कहती है? बहुत कुछ बताती है अन्न दादा। ऐसी कुंडली तो हजारों में किसी किसी की होती है अन्न दादा। बालक को लेकर आई है अन्न दादा? हाँ पंडित जी अभी लाया। ऐसी शब्दी ये क्या करे, पिताजी देख लेंगे तो क्या कहेंगे। ओहो तुम मेरी परेशानी को क्या जानो शको, तुमने तो अभी तक पिताजी से बात भी नहीं। बेटे अपने पिताजी से कहो कि मेरे नाम रखने की खुशी में शामिल तो हो लीजिए, ऐसी भी क्या जल्दी है। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कल ही वापस जाना है। शकुंतला, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई, लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। क्यों शेखर तुम कुछ उदास मालूम हो रहे हो, क्या बात है? वो पिताजी, वो पिताजी कई दिन से बहुत परेशान है। शेयर मार्केट में बिजनेस करने लगे हैं, पहले 1-2 लाख का फायदा हुआ, इधर 1 महीने में 10 लाख के घाटे में आ गए हैं। उसको चुकाने के लिए हुंडी पर पैसा लेना पड़ा, अब अगर हुंडी के पैसे ना दिए गए तो ये कहते हैं कि खानदान के नाम पर धब्बा लग जाएगा। खानदान के नाम पर कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा, जमींदारी चली गई तो क्या हुआ, अभी भी हमारे पास 25-30 लाख के खानदानी जवाहरात है, जो कल भी तुम्ही लोगों के थे और आज भी तुम्ही लोगों के। मेरा तो सबसे कीमती खजाना ये है। पिताजी इनको जल्दी है, ये कल सुबह ही जाना चाहते हैं। लेकिन नामकरण तो हो जाने दो, उसके बाद मैं इनकी परेशानी दूर कर दूंगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो। हाँ पंडित जी। हाँ बालक का नाम पासे रहते थे अन्नदाता। क्यों बेटे पदम सिंह कैसा रहेगा पंडित जी? अति उत्तम, अति उत्तम। पदम सिंह, पदम सिंह, पदम सिंह। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्रताप वापिस आ गया। इस घर के मालिक ने अपन चाचा के साथ बहुत जुलम किया है, चाचा ने उसे जुलम का बदला लेने के लिए मुझे यहां भेजा है। आशीर्वाद दे। अच्छा पंडित जी ये रहा है आपका दक्षिणा। अच्छा, जय हो अन्नदाता, जय हो।
काम पहने कर शेखर तुम मेरे साथ हो। क्या हुआ चोरी? चोरी? हाँ। आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे जबरदस्ती ये शादी कराई कि बचपन में तय हो चुकी है। आपने कई बार मुझसे पैसों का वादा किया, अभी अभी आपने उन जवाहिरात का वादा किया जो आपके पास कभी थे ही नहीं। शेखर बड़ों से बात करना सीखो। इन रंगीन पत्थरों की माला को तोड़कर हम गरीबों में खैरात कर दिया करते हैं, लेकिन दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते। क्या तुम समझते हो हमने तुमसे झूठा वादा किया था? मैं क्या जानता, मैं इतना जरूर समझता हूँ कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया है। आप अपने बेटे और छोटों को संभालिए, मैं जाता हूँ। शेखर हट जाओ मेरे रास्ते से। इस शादी से मुझे मिला ही क्या, एक जाहिल पत्नी और झूठे वादे। शेखर इतना बेवकूफ ना जितना तुम लोग समझते हो। हट जाओ। सुनिए, सुनिए तो। चाचा तुम स्टेशन के बाहर वाले से मिलकर मेरा इंतजार करो, मैं इनसे निपटकर अभी आता। ठाकुर जयमल सिंह को मालूम हो कि मैं अभी तक जिंदा हूं, और जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं श्राप की तरह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। नथु क्या बात है? ए, बैल की तरह घूर घूर के क्या देखता है? बोल क्या मांगता है? लगता है खाली है? अरे साफ साफ बोल। अगर अपन बोल देवे तो तू दे देगी? हाँ। हाँ, अगर वो चीज अपन के काम की नहीं हुई तो। बाप जल्दी से क्या मांगता है? किसी को बोलेगे तो नहीं, वो झोपड़ी मांगता है। अरे तू भी क्या याद करेगा, जा दे दी। ये झोपड़ी तेरी है क्या? ये ना अपन की है ना अपन के बाप की। अरे लल्लू फिर किसके बाप का माल समझ के दे रही है तू? तेरे बाप का है। अरे रू बाप कहीं को मारता है, तेरा बाप भी इधर नहीं रह सकता समझे? अरे तेरा बाप भी इधर आके क्यों नहीं रह सकता है? ये भूत झोपड़ी है, इधर भूत रहता है। तेरे को किसने बताया? जिसने झोपड़ी बनाई थी उसको भूत ने तड़ी पार कर दिया था, तब से उजाड़ है समझा? एक ही कहा था तेरे को लल्लू। अरे ये झोपड़ी भूत ने अपन के लिए खाली कराई है, अपन के लिए झोपड़ी बिल्कुल फिट है समझी, अपन तो यही रहेगा। अरे काय को कुत्ते की मौत मरना चाहता है? अरे कोई कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता है। अरे मरना है तो मर, अपन को क्या। एक बात बोल, तू कौन सी जात का है रे? जिस जात का भूत था ना उसी जात का है रे। मस्करी मत कर, इधर सब अछूतों की बस्ती है, अछूत रहते हैं इधर। अरे तो अपन का जो जात है ना किसी को बोलेगे नहीं ना? कसम खा अपन चोर है। पुलिस का नाम लिया ना लल्लू तो ये गला पकड़ के जमीन में डाल दूंगा ससुरी, भाग गई ना।
आप कभी नहीं आएगी। क्या बात है बिंदिया, कहां से बातें चली आ रही है? ना, कुछ भी तो नहीं। अरे क्या हुआ, क्या सहमी सहमी से क्या देख रही है? माँ, दरिया किनारे वो झोपड़ी खाली पड़ी रही है ना, उधर कोई रहने आया है। तो वो बोलते वो चोर है, चोर। अपन के मुंह से तो निकल गया, वो तो बोलता था ये बात किसी को भी नहीं बोलना। अब क्या करूं? तू अनजाने आदमी से बात क्यों करती है? वो आदमी नहीं माँ, चोर है। और चोर के नाम से तो अपन का तो दम ही निकल जाता है। और माँ, वो तो खुद बोल रहा था, अपने मुंह से बोल रहा था कि वो चोर है। अरे तो कभी इसे आनी नहीं होगी, चोर पुलिस से तो कबूलता नहीं, तू उससे कैसे कह देगा कि मैं चोर हूँ? बेकार बेकार मैं परेशान हो रही है। अच्छा चल, ये पानी की गागर अंदर रख और जाकर टोकरियां सोसाइटी में देके आ। बस ना अपन किसी का, ना कोई अपन का, सारा लफड़ाई खत्म। चाचा तुम नफरत और जवाहरात के लफड़े में फंसे ही रहो। जयमल के साथ था, तो तूने उसके बेटे का सबसे नाश क्यों किया? वो इन जवाहरात को बेचेगा तो पकड़ा जाएगा, अपने पास रखेगा तो पकड़ा जाएगा। तू मुझसे बच नहीं सकता, जिस दिन मैंने तुझे पकड़ लिया तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम मक्कार हो, तुम्हारी नजरों में जवाहरात की ज्यादा कीमत है इंसान की कुछ भी नहीं। तो पकड़ा जाएगा, तो पकड़ा जाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम नफरत की आग में जलते रहोगे, जलते रहोगे, जल जल रहोगे। पंडित जी जरा ठीक से पत्रा देख कर बताओ ये नत्थु मुझे मिलेगा या नहीं। अवश्य मिलेगा। कब? न तो बहुत जल्दी न बहुत देर से, बल्कि जल्दी के बाद बहुत देर से पहले। बस उसी दिन का इंतजार, जब तक उसे अपने प्रताप का बदला नहीं ले लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कौन है? चोर है तो इधर ही आ जा, अपन भी तेरे ही बिरादरी वाला है, आ जा अंदर। अबे नहीं आता, आ जा ना। तेरे तो ऐसे की तैसे, अपन ही आता है तेरे पास। ए छोकरे, कौन है? मैं। अच्छा तू इस वक्त यहाँ क्या करने आई है? अपन तो तेरे को देखने आई है कि तू अभी तक चोरी करके लौट आया नहीं। एहसान बोल, अपन का जाति मामले में अगर कोई टांग अड़ाता है तो क्या होता? तो अपन को भेजा जाता है। तो भेजा नहीं दे रही यार। यार तो चुप है, फूटा से। हाँ।
ऐसे खाली पीले ध्वंस जमाता फिरता है, अपन का सब मालूम पड़ गया। ए, क्या मालूम पड़ गया? यही कि तू कोई चोर और नहीं है रे। देख अपन जन्म जन्म के चोर हैं, बहुत जालिम बहुत खतरनाक। अरे जा जा, ये चौका चोर जैसा लगता है, ये नजरे चोरों की माफिक लगती है, तू चोर हो ही नहीं सकता। और सुन, अपन के साथ कोई झूठ बोलता है ना तो क्या होता है? तो अपन का भेजा फिर जाता है। अपन बताए तो कौन लगता है? अपन को तो बैंड बाजे वाला लगता है। तो बाजा बहुत अच्छा बजाता है, बजाना। बजाओ। भाग यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक झापड़ कस के। बाजा बजा। अरे भाग भी। अरे आप क्या हुआ, बिच्छू ने डंग मारा क्या? नहीं रे, तूने तो अपन का नाम पूछा ही नहीं। नहीं पूछूंगा। अपन का नाम बिंदिया है, तेरा? शेरा। जब भी शेर के माफी गरजता है। ए, जाती है नहीं? नहीं। नहीं। अरे देख ना बाहर कितना अंधेरा है। अरे चमक छल्लो, चमक। जिस वक्त आई थी उस वक्त सूरज चमकता था क्या रे? चल बुद्धू कहीं का, आने की बात और होती है जाने की और। चल अपन को घर तक छोड़ के आओ। घर तक छोड़ के आओ, चलो। अच्छा, चलने से पहले एक बात बता दे। पूछू? अपन तेरे बाप के नौकर है क्या, तो तेरे को घर तक छोड़ के आऊंगा? नहीं, जमींदार का बच्चा है तू। चल चल, अपन तो सूरज उगे तक यहीं बैठी रहेंगी, देखती अपन को कौन उठाता। चावट हो गया ना सीधा। चल चल। तूने तो अपन के वास्ते बहुत तकलीफ उठाई रे। अरे मैंने तेरे वास्ते कोई तकलीफ वकलीफ नहीं उठाई रे, चल फट अंदर फट। तकलीफ उठाई रे क्या? एक बात बोलूं? बोलना जल्दी। बहुत अच्छा है रे। अपन बहुत बुरा है रे, दोबारा कभी उधर आए तो तेरा गला दबा देगा, समझी? अच्छा है रे। छोटा कहीं का कहता है चोर है, गला दबा देगा। अरे जा जा, अपन क्या तेरे से डरता है रे। पिताजी, अभी तक उनका कोई चिट्ठी नहीं आया, मुझे तरह तरह के बहम आते हैं। मैंने आपसे कितनी बार विनती की, मुझे उनके पास जाने दीजिए, आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? तुम उसके पास जाना चाहती हो जो खुद गरज है, आवारा है, बदमाश है। पिताजी मत भूलिए, ये सब आप मेरे पति के बारे में कह रहे हैं। पति कैसा क्यों ना हो, क्या ये पत्नी का धर्म नहीं है कि वो अपने पति के साथ रहे? धर्म का पालन अधर्म के साथ नहीं किया जाता। तुम चुप रही तो क्या मुझे उसकी बदमाशियों का पता नहीं चला? तुमने अपने आंसू पी लिए तो क्या मैंने उनकी जलन महसूस नहीं की? मुझे उसकी एक बात का पता था, लेकिन उस वक्त तुम अकेली सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। अब मेरी जिंदगी में खुशी की एक किरण मुस्काई है, एक फूल खिला है, तो क्या इसे भी उस नरक की भट्टी में झोंक देना चाहती हो? नहीं नहीं, अब मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा।
सब्र करो, हाँ हाँ सब्र करो, सबको मिलेगा, सब्र करो, सब्र करो, देखो मैं दिल में अब तो मुझसे सब्र नहीं होता। अच्छा चलो ना, चलो चलो, आज यहाँ नहीं मेरे घर पे। ओह स्प्लेंडिड आइडिया सब, हाय हाय मच्छर, बाय बाय छुट्टी छुट्टी। देखा इस शेखर के बच्चे को, दोस्त होकर मेरे मशूक को उड़ा कर ले गया, मैं इसकी जान ले लूंगा। अकल से काम लो रमेश, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। Come on, I love you, darling, I love you, come on, I love you. सुनिए, कौन है ये? ये कोई नहीं। मेरी खता तो बताइए। अपने बाप से जाके पूछो। मैं पिताजी की मर्जी का बगैर आपके पास आई हूँ, मेरा ना सही, इस मासूम बच्चे का तो ख्याल कीजिए। राहत, मरने दो उसे। चलो। सुनिए, सुनिए। रमेश क्या सोचता है? निकाल ले अपने दिल की हसरत। शेखर तेरे माल को ले उड़ा और तू इसके माल को ले भाग। अंजाम, कमान। Don't let me go.
मैं तुम्हें पैसे से माला माल कर दूंगा दादी। पैसे के लिए जो इंसान अपनी बीवी और बच्चे के प्यार को टुकरा दे वो कितना गिरा हुआ इंसान है। तुम ऐसे नहीं औरत का दिल तोड़ सकते हो लेकिन मैं उसकी बदवा नहीं ले सकती। ये तो सिर्फ 3,000 है। हाँ भाई, कुछ फंड पर लिया है, कुछ दोस्तों से कर्ज लिया, तब जाकर ये 3,000 रुपए। मगर इतने में होगा क्या? 5,000 तो भेज के देने हैं, रह गया शादी का खर्च, वो अलग। अपने पास सिर्फ एक साइकिल बची है, उसे भी भेज दूंगा। दफ्तर पैदल जाया करो। आप कुछ भी कीजिए, दो मर्तबा मेरी बच्ची की शादी की बात पक्की होकर टूट गई है। भगवान ना करे अगर अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मालती की माँ, जान देने से पैसे की कमी पूरी हो जाती तो मैं कब की जान दे चुका होता। आप लोग मेरी चिंता ना कीजिए, मेरे जैसी कितनी गरीब लड़कियां हैं जो पैसा न होने की वजह से जिंदगी भर कुंवारी रही। उनमें से आप अपने बेटे को भी समझ लीजिए। भगवान न करे बेटी ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान पर न लाओ। बेटी मालती, अब तो सो जा, भगवान भी दौलत वालों की सुनता है, हम गरीबों की नहीं। ये सूट और ये ऐसा लगता है पेट में है लेकिन मुंह पर नहीं आवे। पेट में है लेकिन पेट में है पर मुंह पर नहीं आवी। एक मिनट है पर मुंह पर नहीं आई क्या? हाँ उसे डकार कहे, हींग वाला चूरन खा लिया। क्या बोला? हींग वाला चूरन। हाँ याद आया, उसे हिरविन कहे, बहू बनारसी साड़ी पहनकर हिरविन का पोषण करेगी। अबे गधे, ये सब तबाही के लक्षण है। लेकिन पिताजी आपके पैसों से थोड़ी, अपने दहेज के पैसों से मांग गया। कैसे दहेज के पैसे? अबे उसके बाप ने जितने पैसे देने का वादा किया था वो दिए कहाँ? ठंडा पानी पी के सो जाओ। लेकिन वो मुझे सोने कहाँ देगी? छी 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 छी, अरे अपने बाप से अंदर की बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वो मैं एक बात कहनी ही भूल गया था। फटाफट बोल। वो गौ रक्षा समिति के स्कैटरी है ना, स्कैटरी, वो आपको मिलने के लिए आए थे। इसलिए वो गौ माता के लिए एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए कुछ चंदा अंदा चाहिए। अरे तुझ पर फिचकार, इतने धर्म की बात तू भूल गया। बात सुन, गौ माता और मंदिर पर हम एक खर्च करेंगे तो लाखों मिलेंगे इसी दुनिया में। सुबह सुबह सबसे पहला काम ये करना कि ये रकम ले जाकर तुमके हाथ में। रकम? ये तो ठंडी है। बहू को कहीं
कीड़ा मत खिला देना इसका। और बात सुन, इसकी रसीद लेकर के आना। हाँ ठहरने की, और वो भी रसीद लेकर आना। चल चल फुट सो जा, बत्ती बिठा के दरवाजा बंद कर लेना। जाने दो, रसीद लेना मत भूलना। ऐसा बुरा काम किया तूने लाज रखी, आज पहली बार अच्छा काम किया तो इज्जत के पीछे पड़ गया। ऐसे अच्छे काम की तो ऐसी की तैसी। अरे किसी को भागते हुए देखा है? किसी चोर को भागते हुए देखा है? हाँ हाँ देखा है, देखा है। किधर? अपन जो बैठे ला है ना, अपन चोर है। अरे काहे को मजाक करता है? अरे यार तो काहे को पूछता है हमसे, चलो उधर देखना। चलो चलो चलो। महाराज मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज महाराज है कि महारानी, जरा देखो तो सही। महाराज है, महाराज है। महाराज मैं थोड़ी देर मेरी मदद और करते भाई। बेगम वल्लाह गैरते हुस्नो रश के माँ हो तुम, खूबसूरत हो, बादशाह हो तुम। हाय अल्लाह, शेर सुनते सुनते तो 5 साल बीत गए नवाब मियाँ, खाली शेरों से गोद थोड़ी ही भरेगी। बेगम आपके सर अजीज की कसम, मेरी भी यही तमन्ना है, मगर क्या मजबूरी का नाम सब्र है। हालांकि है इश्क में सब्र नागवारा, फिर सब्र बिना और क्या है चारा। चारा तो डालो भैंस को तुम, और आ से बच्चा हो गया तुम्हारा। आए ये क्या बदतमीजी है। आए 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 अताउल्ला खान, काहे को खाली पीली गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारी बेगम खुश हो जाएगी और तुम फोकट में बाप बन जाओ। फोकट में तुम इसे शायद कहीं से उठा लाए हो, जब ही अपनी दर्जा दीदी दिखा रहे हो। उठाओ अपनी इस मुसीबत को, नहीं तो आधे पुलिस को बुलाता हवलदार। जो फोकट में बाप बनने का चांस था ना, वो भी तुम्हारा मारा गया। अब आप एक काम करो मियाँ, आप सिर्फ सारी करो सारी, और तो कुछ कर नहीं सकते आप। ए भैया, ए मुन्ना को भूख लगी,
हाई लो अपन बेटवा के दूध पिला दो, असली जौनपुरी भैंस के निखालिस दूध राम कसम। राम कसम। लाट साहब के वो दूध दे दे। हाँ दे 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 दे। ला 2 रुपया निकाल। ये लो 10 रुपया और साथ साथ इस बचवा के अकुतवा के लेके भी निकल जा। हाय सुना, अरे हमार घर में जो 10 गो बाप ही ससुरा के लेके हम का करब, ई कुतवा के हम ले जा। ले जा। हाँ हाँ चल। हाँ ये हरा चल। अरे नमक हराम तो जानत है, ये ससुरा दूध हराम है, भोकत है, काटे दौड़त है। अरे बाप क्या लफड़ा है, इधर तो चाक झाक क्या करता है, अंदर कर दूंगा। साहब उधर बुड्ढे की जवान बीवी बोलता अपन तो मजबूर है, तो अपना बच्चा हमको बेच जाना कैसे बचेगा, कल चुका गया क्या? अच्छा उधर से बचाना तो इधर फंस गया, फंसा किसके चक्कर में, भैया के चक्कर में। भैया साले ने दूध के बदले में पानी पिला दिया, पानी पिलाने के बाद साले ने 10 रुपए का फटका अलग कर दिया। कितने रुपए का फटका? 10 रुपए का। कौन हो, इधर रहते हो, धंधा क्या करते हो? अपन तो यारों का यार है, खासा होशियार है। इधर का माल उधर करता, उधर का माल इधर करता, इधर का माल उधर। क्या क्या बोला? मजदूरी मजदूरी, ठीक है ठीक है। आ सुनो, ये बच्चा किसका है? तुम्हारी। मेरे? बोलने का नहीं। अपनी माँ का, ठीक है। तो फिर चलो फूटो, रास्ता खाली करो, चलो। अपनी माँ का पहले बोलता, तुम्हारा है? अरे मेरे भाई, अपन ने बहुत कोशिश की तुझसे पीछा छुड़ाने की, मगर काम नहीं बना। अपन तुझको यहीं से उठा कर ले गया था ना, यहीं छोड़ के जाता हूँ। तुम्हारी माँ तुझको ले जा, हे भगवान इसकी रक्षा करना। लगता ऐसा करते हैं, इस बच्चे की आंख फोड़ देते, हाथ पैर तोड़ देते, फिर अच्छी कमाई हो। क्यों मेरे बाप का मान समझ रखा है क्या? बच्चों लो, मैंने गुंडों को मार के भगा दिया। मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना, मेरा पिता, मेरा मुन्ना।
चल अब तू सो जा, सवेरे तो से निपटो मैं सो जा। बहुत धीरे चमक चमक चल रहा है, सुन लिया कहीं धारी होगी और हम एक नए लफड़े में पड़ जाएंगे। सो जा। बच्चों यार सुनने तो दे। बोलिए 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 भाई साहब। अच्छा अच्छा वो गाना गाओ। अच्छा बेटा ऐसा नहीं कर रहा तो लोरी सुना के डराता हूँ। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी, मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी, इन नैनों में आने दे तू, इन नैनों में आने दे तू, आने दे निंदिया रानी। सो जा बाप मेरे सो जा, अरे चुप हो जा बाप मेरे सो जा। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी। अरे मैं हूँ एक आजाद पखेरू, काहे रे मुझको फंसाए तू, काहे रे मुझको फंसाए। मेरी हांडी में तू अपनी काहे रे दाल पकाए, बेटा काहे रे दाल पकाए। ना कर मन मानी, ना कर ना दानी, ना कर मन मानी, ना कर ना दानी, तूने याद दिला दी नानी। चुप हो जा बाप मेरे सो जा, सो जा सो जा बाप मेरे सो जा। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी। चुप है कसम है बिछड़ी माँ की, तुझको बाप की तुझे दुहाई, तेरे बाप की तुझे दुहाई। अरे तेरा रोना रहा जो चालू, होगी मेरी पिटाई, अरे बाबा होगी मेरी पिटाई। करेगा जो तू हल्ला तो जागेगा मोहल्ला, करेगा जो हल्ला तो जागेगा मोहल्ला, अब कैसे छुड़ाऊं पल्ला। ओ सो जा बाप मेरे सो जा, अरे चुप हो जा बाप मेरे सो जा। अरे हो मेरी जान मुझ पे कर तू मेहरबानी, इन नैनों में आने दे तू, आने दे निंदिया रानी। सो जा बाप मेरे सो जा, अरे चुप हो जा बाप मेरे सो जा। अरे रे अरे रे रे अबे ओ शेरा, इसका थोबड़ा तो तेरे से मिलता रे, देख लो इसकी नाक तो एकदम तेरे माफिक है, पकोड़ा जैसे। इतने रोज कहाँ छुपाला था रे इसको? ये छोकरे ये अपन का माल नहीं है। तू क्या चोरी करके लाया? धीरे बोल धीरे बोल, चोरी करके लाया है तेरे बाप के घर से। अबे रास्ते में पड़ेगा था, अपना किस्मत करेला था जिसे गोद में उठा लिया। बड़ी कोशिश की भाई से पीछा छुड़ाने को, मगर ये भाई तो चिपक ही गया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तू शेर है तो अपन भी सवा शेर है, आज मजा कर ले, कल तुझको तेरे ठिकाने पर छोड़ के आऊंगा। वापस रास्ते पर छोड़ के आएगा? नहीं रे रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा, राजमहल में छोड़ के आऊंगा। अक्कल तो तेरे भेजे में है ही नहीं। ए लंबू, अगर इसे रास्ते पर छोड़ के आएगा ना तो ये किसी भिखारी के हाथ लग जाएगा और वो इसके हाथ पैर तोड़ ताड़ कर भीख मंगाएगा। और अगर तेरी बिरादरी वाला मिल गया तो जबरदस्ती मार मार कर जेब कतरा, नहीं तो चोर बना देगा तेरे माफिक। हाय हाय अब साफ काय को सूंघ गया, अक्कल नहीं तो अपन की अक्कल से काम लेना, इसे यही चुराने दे। अपना बेड़ा गरक करा लूं, अगर तुझे चाहिए तो तू ले जा इसे। अब
आधे तक अपन रख ले रे। कोई लौंडे की माँ का नाम पूछे तो तेरा नाम बता दू चलेगा? तो शर्मदार एक झापड़ दूंगा उल्टा सीधा कुछ बोला तो। अरे बिंदिया मुझे कुछ हरत है कि नहीं, इतनी रात घर पर है मर्द की झोपड़ी में चल गया। माँ अपन इसको थोड़े मिल आई थी, अपन तो इसकी आवाज सुन के आई थी। ये किसका बच्चा है? इसका इतना मेरा इसकी माँ का है? ये बात मत पूछ माँ। बेचारे की माँ एक रात उसके पेट में बहुत दर्द उठा था और दूसरे दिन वो ऊपर पार्सल हो गई थी। अच्छा अच्छा बहुत बातें बनानी सीख गई, पकड़ अपना बच्चा और चल सीधी रीति अपने घर। बहुत मेहरबानी प्यारे, इस मुसीबत से पीछा तो छुड़ाया मेरा। अबे वो उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया? तुझे कैसे बताऊं कि तुझे मर्दों के पास नहीं जाना चाहिए, काहे को नहीं जाना चाहिए? इसको अपन पर विश्वास नहीं है क्या? तुझ पे तो विश्वास है लेकिन लेकिन क्या बोलो, बोल क्यों नहीं? हम बड़े अभागे हैं, जिस दिन तो पैदा हुई थी उसी दिन हम तेरे बाप से बिछड़ गए। पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा भी है जो नहीं। तुझे लिए दर बदर की ठोकरें खाती थी, आखिर में टोकरियां बनाने लगी और ये पहाड़ जैसे मुसीबत के दिन इन्हीं टोकरियों से ढोती रही। ठिकाना बनाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बचपन में ही तेरा ब्याह कर दिया और तेरी तकदीर में तुझे सियानी होने से पहले विधवा कर दिया। तू उस वक्त बहुत छोटी थी, तेरा दिल ना दुखे इसलिए मैंने भी कभी तुझे याद नहीं दिलाया। तो क्या अपन की जिंदगी खत्म हो गई? अपन की तकदीर में कोई खुशी नहीं का? रो नहीं बेटी रो नहीं, जब तेरे जी चाहे तो मुन्ना के साथ खेलने चली जाना। लो बेटी ताकत की दवा खाने के बाद ले लेना। चाचा मैं आपके एहसानों का बदला जन्म जन्म तक नहीं पूरा कर सकती, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं मुन्ना को खुद ढूंढ निकालूंगी। इतने बड़े संसार में कहाँ जाओगी बेटी? पिता के पास जाओ और उनसे सब कुछ कह देना, वो तुम्हारे मुन्ना को ढूंढ निकालेंगे और मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। नहीं चाचा, मैं मुन्ना के बगैर पिताजी के सामने नहीं जा सकती, वो बहुत दुखी है, मैं उनके दुखों को और बढ़ाना नहीं चाहती। कौन से ऐसे दुख है बेटी, मुझे तो बताओ। चाचा खानदान का झगड़ा सबसे रोया नहीं जाता, खैर आप तो अपने हैं। एक नीच ने हमारे घर को तबाह कर डाला। नीच ने? उसने क्या किया? बचपन में मेरे भाई को घर से उठा ले गया, अभी कुछ महीने पहले उसने उन जवाहरात की चोरी की जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति को देने का वादा किया था। मेरे पति उसे झूठ समझे और गुस्से में आके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब चाचा आप ही अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए मैं किस मुंह से अपने पिता के पास जाऊं। भगवान क्या हो गया संसार में, जाने जाने क्या क्या हो रहा था। आप कितने नरम दिल हैं, मैंने अपनी बातें कह के आपने कितना दुखी बना दिया। चाचा भगवान के लिए ना रोइए, भगवान के लिए ना रोइए चाचा, भगवान के लिए ना रोइए। जी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँ, मैं तुम्हारे मुन्ना को ढूंढूंगा और जब तुम्हारा मुन्ना मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरे पुराने पापों का बोझ हल्का हो गया। चाचा आपसे मुझे पिता का प्यार मिला,
मैं पिताजी को लिख देती हूँ कि आप मेरी चिंता ना कीजिए। मेरा मुन्ना नहीं मिलेगा, मैं आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। आप मेरी चिंता जरा भी न कीजिएगा। जो मेरी देखभाल कर रहा है उसे भगवान की तरफ से भेजा हुआ आदमी समझिए। पिताजी, उसने आपकी कमी पूरी कर दी। शिखर, तुम्हारी वजह से शकुंतला के लिए अपने गैर हो गए और गैर अपने बन गए। दूसरों के एहसान से हमेशा बचता रहा, लेकिन इसमें और शरीफ आदमी के एहसान से कभी सर ऊंचा नहीं उठा सकता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जिस शेखर से ये भूल हुई थी वो मर चुका है। और मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई। तुम मेरे सामने रहकर मेरे जख्मों को ताजा मत करो। चले जाओ, चले जाओ पिताजी, चले जाओ, चले जाओ। ये सारी दशा राहुल की है, परंतु आप सब ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी भी मिलेगी, बेटी का बालक भी, बिखरा हुआ सारा परिवार एक हो जाए। अन्नदाता, इस अछूत नत्थु को दक्षिण की ओर से चलकर स्वयं आपके पास आना ही चाहिए। खामोश! आज तक तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब झूठ निकला। मुझे बेवकूफ बनाकर लूटते रहे। निकल जाओ यहाँ, निकल जाओ। नत्थु, कमीने, बदमाश, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू मर चुका है तो ये तेरी खुशकिस्मती है, और अगर तू जिंदा है तो तू अपनी आंखों से देखेगा। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेगा, और मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा। चाचा, मुन्ना यही सीढ़ियों पर पड़ा रह गया था, साथ में कुत्ता भी था। चिंता मत कर बेटी, तू अपने बच्चों को भगवान के द्वार पर छोड़ गई थी, उसकी रक्षा जरूर करेगा। हे भगवान, तू मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन इसका मुन्ना इसको लौटा दे। चाचा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मुन्ना को। पता नहीं बेटी, मेरे दिल कहता है तुम्हारा मुन्ना जरूर मिल जाएगा। मेरी वजह से आपको कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कोई कष्ट नहीं बेटी, हर काम भगवान की इच्छा से होता है। तुम जैसे पापी को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। मैं तो उस परमात्मा के इतना उपकार मानता हूँ, तू मुझे मिल गई। चल। अपन ने कर लिया, अपन का सारा इलम खत्म हो गया, मगर तेरा बैंड बाजा भी बंद नहीं हुआ। चुप हो जा रहे, चुप ना। माँ, भूखा होगा, जाओ उसे दूध पिलाया। ले। और सुन, तू सिर्फ मुन्ना के पास जा रही है, अपन तो किसी के संग बात भी नहीं करेगी ना। तो फिर आगे भेजा खाने, कल रात को जूते पड़ गए ना। ठीक है। बहुत अच्छा लल्लू, शाबाश, बहुत बढ़िया। ए भाई, ये क्या नाम है तेरा? चुप है। देख, चमक चल लो की आज बोलती बंद है। अपन का क्या है, अपन की तो जान छोटी। मेहरबानी
चल बहुत हो गया, फट यहां से फट। ए भाई, महारानी जी को जाकर महल तक छोड़ गया। क्या हुआ, वो मैं जवान नहीं क्या? हाँ है तो जवान हिलाती क्यों नहीं है? अच्छा, अरे तो क्या हुआ? अपन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अरे कुत्ते, तेरे पल्ले कुछ पड़ा क्या? लल्लू सोता है, मुंह से फूटना मुंह से। अरे बाप रे, ये तो बोलती भी है। पलना तकिया गद्दा साबुन दूध की शीशी दूध का बर्तन चांदी का चमचा कटोरी ढक्कन बुढ़िया का काजल तेल लपटन भाग के ला सब जल्दी फौरन। तूने बढ़ा दी दिल की धड़कन, इतना सारा सामान लाने के लिए अपने पास माल का है? अरे अपन के पास लंबे चौड़े हाथ पांव तो है, जरा हिला इन्हें, कुछ काम कर जा। अरे अपन को तो एक ही काम आता है, चमक छल्लो। जरा रात होने दे, फिर दिखाता हूँ अपना करता। चोरी चोरी, चुप! खबरदार जो मुन्ना के लिए कोई चीज चोरी के माल से लाए तो। अरे मुंह क्या देखता, फूट यहाँ से, काम का दुश्मन। काम का दुश्मन है कोई सखी है कोई दाता? अरे कब से भीख मांग रहा हूँ बाबा, 3 दिन से भूखा हूँ, पेट में आग लगी है बाबा। अरे कुछ देते जाओ रे सखी दाता, अरे राम कुछ फकीर को देते जाओ बाबा। है देखो बिस्कुट, हे भगवान ये क्या अंधेर है, कुत्ते का पेट भर रहा है और आदमी भूखा मर रहा है। ऐसी बेशरम दुनिया में रहना पाप है, नहीं रहूंगा मैं, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। समुंदर में कूद पड़ा, आत्महत्या कर ली, कोई तो बचाइए। आप क्यों नहीं बचाते? आप मेरा मतलब समझे नहीं, मैंने कहा कोई बचाइए, मैं नहीं। अरे हटो 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 हटो, चलिए। वाह वंडरफुल, मिलियन डॉलर फोटोग्राफ। बड़े बेशरम जी, तुम तमाशा देख रहे हो, बच्चे को नहीं दिखाते जिंदगी में मौत का भी जुगाड़ खेलता, आदमी को बचाता नहीं है। ये भी गया, ये भी मरेगा, डूबेंगे नहीं डूबेंगे। एक गर्मी में तू वाले का सहन सिक्के, एक गर्मी में छोड़ दो मुझे, तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं मरना चाहता हूँ, छोड़ो मैं। अरे एक तो बचाया उस पर, तुम मरना चाहते हो, कमाल है। कौन नौजवान, क्या बहादुरी दिखाई तुमने, ये लो 5 रुपए इनाम। अरे आप अंकल क्या मदद करता है, तुम मदद करना तो इस गरीब का करो। तुम लोग मरने वाले का तमाशा देख सकता है, जिंदा रहने वाले कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकता है। लाना थे तुम लोग वहाँ पर, शर्म करो, धिक्कार है तुम्हें, जाओ जाओ। ले भाई, तूने 200 रुपए, 50 रुपए। अरे तुम्हारी वजह से मैंने माल कमाया, एक रुपए ले ले। ले भाई ले, क्या ले भैया। चल माल निकाल माल निकाल माल निकाल, ये ले तेरा हिस्सा बस। सलाह तो एकदम समझे, तू गया काम। अरे नहीं यार, मैं तो पत्थर पे खड़ा डुबकियां ले रहा था, डूब कैसे सकता था। चल यार यही तरकीब दूसरी जगह करें। अरे छोड़, उठावा पैसा, अपन एक तरकीब एक ही टाइम फिट करता है। अभी अपन को बहुत काम करना है, अभी मुन्ना के लिए सामान खरीदना है। अपन मुन्ना कितनी सारी चीजें लाए रे, झुंझुना, मुन्नी सी कटोरी, मुन्ना सा चमचा। क्या करते देख, तेरे लिए कह रहा हूँ एकदम फर्स्ट क्लास है रे शेरा, तेरी पसंद एकदम अपन जैसी है। वो गले का किधर है, गले का भूल गया? हाँ नहीं, कहाँ भूला, ये ले।
बचपन की फोटो है क्या? अरे मेरी नहीं, क्या तेरी फोटो है? अपन के बचपन का फोटो है, अपन को क्या समझ रखा है तूने? अरे जा जा, ये तो किसी राजे की है, तू तो फूटपाले वाला है। फूटपाली है, चमचमड़ कर रही है। अपन का मुन्ना किसी राजे से कम है क्या? जाओ उसे पहना दे, जा। ए शेरा, मुन्ना का माथा तो जल रहा है। अरे हाँ, सच्ची जल रहा है। हे भगवान, अपन के मुन्ना को बुरी नजर से बचा ले, क्या पता अपन की नजर न लग गई हो। शेरा, सच सच बोल, ये सारी चीजें कैसे लाया? सच सच बता। अपन से गलती हो गया, अपन अब कभी दोबारा खोटा धंधा नहीं करेगा। क्या, तो तूने मुन्ना को बीमार करा? हम वादा करते, दोबारा कभी अपन ये खोटा धंधा नहीं करेगा। अपन से वादा करके कोई फायदा नहीं, चल मेरे साथ चलकर भगवान के सामने वादा कर। ठीक है। तू बोल देना, बात तो एक ही है। अपन कुछ नहीं बोलेगी, तू कुछ बोल। मैंने आज तक कभी बोला नहीं है कैसे। अच्छा भगवान, अपन को तुम्हारे बारे में जास्ती कुछ मालूम नहीं है। ये अपन को पकड़ के इधर लाई, अपन आ गया। अब अपन कसम खाकर बोलता है, आज से कोई खोटा धंधा नहीं करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। बस 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 क्या? अब अगर तूने कोई भंकस की ना, तो भगवान तेरे को बराबर कर देगा। अरे काय को भकभक करते रहती है, भंकस की भंकस की, बोल तो दिया। लेकिन भगवान, इतना जरूर करना, अपन के मुन्ना को जल्दी से अच्छा करना। अरे ओ शेरा, आज तो बोनस मिला, चल कुछ दारू शारू हो जा। ओए चल फट, अपन वो सब खोटा धंधा नहीं करता है। दारू शारू हो जा। अखी रात किधर गुल था? तू नहीं मानने वाला, देख अपन तेरे को खुला बोल देती है, वापस गलत लेन पे गया तो अपन की तेरी कुट्टी। अरे तू तो हमेशा ही उल्टी खोपड़ी की रहेगी, जब देखो तब सब करती है। अरे चमक छल्लो, अपन ने वो खोटा धंधा छोड़ दिया है, अब अपन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात भर ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम डबल पैसा मिले ला है। देख अपन मुन्ना के लिए क्या लाए। ये है ना, ये चाबी बोलते हैं, चाबी बनने के बाद तेरे को पकड़ा देते हैं। पकड़ पकड़ पकड़। हाँ छोड़ दे। देखा शेरा, तुझे इसके अंदर लटका दो, तू भी इसके माथे के चक्कर काटेगा रे। बिल्कुल, चक्कर की बच्ची दिया एक हाथ। दिखा ना उसे क्या ला। सर लाया, अपन एक बहुत फर्स्ट क्लास चिल्ला है। फर्स्ट क्लास? अब देखना अपन की अब तेरी पसंद एक जैसी है या नहीं। बहुत सुंदर है जी। तेरे लिए लाया। अपने के लिए? और नहीं तो क्या, अपन के लिए। बड़ा लफड़ा कर दिया तुमने। क्यों? तुम्हारा देख ली तो अपन की चटनी बना डालेगी। काय को बंडल मारती है, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, अब अगर तेरे को नहीं मानता है तो बोल। ये बात नहीं है। अरे ये बात नहीं है रे, अपन चोरी से गया, हेरा फेरी से नहीं, अपन अभी चोरी से जाकर उसे दुकान में वापस रखा है। अबे ओ बुद्धू, तुझे ये किसी ने घर से देख लिया तो अपन को अपनी माँ ने देख लिया तो काय को क्या लाया रे? ला तेरे को नहीं मांगता तो अपन बाहर फेंक देगा। तू कब आई थी? अभी आई माँ, जरा जी भाजी धो के ला देते। मुझे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। बड़ा अच्छा हुआ, अब तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, और अब हमारी टीचर झोपड़े में नहीं रहेगी, मैंने एक अच्छा सा घर भी ढूंढ लिया। चलो एक दो तो, तीन चार मुन्ना में आओ। पकड़ लिया चो। नहीं नहीं नहीं, मोती को बच्चों ने बताया। मोती ने किधर बताया? चल चल तेरी बारी है। ऐसे रहना। एक दो
हो 5, 7, 9, 10 नहाओ अभी नहीं 1, 2, 5, 7, 9, 10 आओ अरे तो तेरी शरारत थी बेईमान कहेगा मुन्ना को बेईमानी सिखा दे चल रे आंख बंद कर फिर से गिनती गिन अरे गिनती मत गिन फिर से एक काम करते हैं सर बहुत सुनवाई लग रही है समझा अपन उधर चलते हैं मम्मी तुम भी चलो ना अपन तीनों चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा मुन्ना तेरी नानी नहीं जाने देगी अपन को क्यों मुन्ना तेरा और मामी का कुछ झगड़ा हो गया है क्या हाँ मामी इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि तुम याद आ गई अच्छा क्यों अपन मामी को बोला कि नानी का पैर इतना दर्द करता है तुम उनका पैर क्यों नहीं दबाती हो सारा दिन अपन के साथ खेलते रहती है बस यही तो झगड़ा है लेकिन बेटा तेरी मामी तो मेरी अच्छी तरह देखभाल करती है मामी अपन तुम्हारे पैर अरे बेटा ये क्या कर रहे हो बस कर बस ये मुन्ने मुन्ने हाथ कट जाएंगे भगवान मेरे मुन्ना को कड़वी नींद से लंबी उम्र दे नहीं मामा कहते थे शहर में बहुत अच्छी नुमाई चाहिए वो अपन को वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं अच्छा तो तू जा ना बेटा तुम भी चलो ना कितने दिन से तुम बाहर घूमने नहीं गई हो मैं कहाँ जाऊँगी बेटा सुन लो नानी तुम नहीं जाओगी तो अपन भी नहीं जाएंगे काहे को जिद करता है रे नहीं नानी नहीं अच्छा तो ऐसा कर तू अपनी मामी को साथ मामी को ठीक मामी के साथ तो अपन का झगड़ा है ना हाँ क्या बिंदिया तो बच्चे से झगड़ा करती है चल मुन्ना को प्यार कर हाँ चलो प्यार करो हाँ चलो हो गई दोस्ती हो गई हाथ मिला चलो अब चल सकती है ना अपन के साथ जब बिंदिया जल्दी लौटना और मुन्ना का ख्याल रखना भगवान अपन की नानी को करनी नींद से लंबी उम्र अरे अरे जीते रहो बेटा जाओ तो ये क्या हो गया ओ मैं
मैं ये कैसे जानूं तुझको ये क्या हो गया। आँख झुकने लगी, सांस रुकने लगी, आँख झुकने लगी, सांस रुकने लगी, जरा तू बता दे मुझे क्या हो गया। ओ पहली पहली बार मुझको ये क्या हो गया। बोलना, मैं ये कैसे जानूं तुझको ये क्या हो गया। कैसे तुझको बताऊं नहीं है डगर, कैसे तुझको बताऊं नहीं है डगर, जो है तुझ पे असर वही मुझ पे असर, जो है तुझ पे असर वही मुझ पे असर। एक बात बोलूं? बोलो। आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत प्यारे हो। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो गया था तू? क्या घर चले? बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। तुम भी इसे पढ़ाते क्यों? वो जी। कहाँ रहते हो? दहिसर की हरजन कॉलोनी में। अरे वही तो हमारा स्कूल है। इसे कल जरूर ले आना। ठीक है, जरूर ले आने बहन जी। चलो ना। स्टॉल नंबर 4 की इसका अनाउंसमेंट।
बेटा। हाँ शकुंतला, मेरी खताएं तो ऐसी है जिनको शायद भगवान भी माफ नहीं करेगा। मेरे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा मत कहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे भाग्य का दोष था। अब आप मुझे मिल गए, मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया। के साथ स्कूल चल रही है ना? बहुत देर लगा दी बिंदिया, चल कुछ खा ले। चल चोली ढीली कर दे, बहुत कष्ट है। क्यों बेटी, इतनी परेशान क्यों है? मालूम नहीं माँ, अपन को बहुत डर लग रहा है। क्या उधर जाने लगे हो? हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। देख दूंगी, एक बात फिर बोलती हूँ, ये प्यार सिर्फ मुन्ना तक रहने देना, इसी में अपना भला है। अच्छा माँ, हम अपना सारा प्यार मुन्ना तक ही रखेगी, सिर्फ मुन्ना तक। मुन्ना, ओए राजा, उठ, देख देख दिन कितना निकला है, चलो चलो उठो 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 उठो। आज अपन को स्कूल जाना है ना, चलो। अभी अपन का मुन्ना स्कूल जाएगा, पढ़ लिख के बहुत बड़े बनोगे ना, बहुत बड़ा लाल साहब बनेगा ना। मामी, मामा कहाँ है? वो तेरे लिए नाश्ता लाने गए, अभी आता ही होगा। इसका नाम मुन्ना, पूरा नाम मुन्ना। हाँ, पूरा नाम भी मुन्ना ही। अच्छा, पिता का नाम? बालकृष्ण। बालकृष्ण, ठीक है, मैंने मुन्ना को स्कूल में दाखिल कर लिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, चल बढ़िया। मुन्ना घबरना नहीं, शाम को अपन तेरे को लेने आएंगे, जल्दी आना। भैरव, तू यहाँ कहाँ आ गया रे? अरे लल्लू, अभी स्कूल छूटने बहुत टाइम है, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे इधर से उधर। अरे क्या मालूम, मुन्ना रोता है अपन के वास्ते, अपन अभी जाती है। अरे मुन्ना, परेशान मत हो बहन, मुन्ना बिल्कुल अच्छा है। बहन जी, आपने मुन्ना के लिए बड़ा ही कष्ट उठाया। हाँ भैया। बहन जी, आप रो रही हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, आप लोगों का मुन्ना से प्यार देख जी भर आया। फिर बहन जी, इसमें रोने की क्या बात है? बहन जी, आप बताइए, जरूर कोई बात है, बताइए ना, आपको मुन्ना भी कसम है। भैया,
तुमसे एक सवाल पूछूंगी, सच सच जवाब दोगे? ऐसी क्या बात है बहन जी? क्या तुमने 6 साल पहले बालकृष्ण मंदिर के बाहर मुन्ना को पाया था? तुम हाँ कहो या ना, मैं गीता के श्लोक की तरह तुम्हारा यकीन कर लूंगी। हाँ बहन, 6 साल पहले ठीक उसी जगह बालकृष्ण मंदिर के बाहर। क्या कर रही है? तुमने अपने पिता पर कह कर सच बोली दिया। मेरी खोई हुई सारी खुशियां तुमने मुझे वापस कर दी, मेरा मुन्ना मुझे मिल गया। मुन्ना आपका बेटा है? हाँ भैया, 6 साल से सब आंगन माँ की झोली खा रही थी। इस झोली को भर दोगे तो बड़ा उपकार करोगे भैया। क्या क्या क्या? अपन के संग बात करो, मुन्ना अपन का बच्चा है, अपन की गोद में पला है। ये शेरा का बच्चा कौन होता है मुन्ना को देने वाला? अपन से मुन्ना को कोई नहीं छीन सकता, घर जाओ। नहीं नहीं, मैं मुन्ना को तुमसे छीने नहीं आई, मैं तो तुमसे भीख मांगने आई हूँ। वाह वाह वाह, मुन्ना को तुमको दे दूँ और अपन की गोद सूनी कर लूँ। तुमको क्या खबर, एक मुन्ना ही तो मेरी सुनसान जिंदगी का सहारा है। जिंदगी भर की पूंजी तुमको देकर खुद बेकार बन जाओ। बेकार बन के तो मैं तुम्हारे द्वार आई हूँ बहन। देखो, मुन्ना को ले जाने की बात एक बार फिर से बोल के देखो, अपन मुन्ना को लेके बहुत दूर चली जाएगी। ये बस्ती छोड़ देगी, अपन का घर छोड़ देगी, अपन की माँ को छोड़ देगी। मुन्ना की नींद खराब हो जाएगी। मुन्ना के लिए तुम्हारे दिल में कितना प्यार है वो तुम्हें देख रही हूँ। अच्छा, भले मुन्ना मुझे ना दो, मगर एक बात मान लो, इसे स्कूल भेजना बंद ना करना। मैं इसे दूर से देख लिया करूंगी और मेरी मम्मा तुम्हें हजारों दुआएं दिया करेंगी, हजारों। तू आज कुछ पल मुन्ना से अलग रहकर इतना परेशान हो गई, जरा सोच उसकी जो असली माँ है उसकी क्या हालत हुई होगी मुन्ना से इतने साल अलग रहकर। वो आज यहाँ आई थी ये सोचकर कि जिंदगी की सारी खुशियां उसे वापस हो जाएंगी, लेकिन वो गरीब तो अपने मन का सारा सुख चैन, अपनी सारी खुशी यही छोड़कर चले गए। तो ऐसी बात करके अपन के दिल को काहे कमजोर करता है रे? बिनिया एक बात बता, तुम मुन्ना से बहुत प्यार करती है। ये भी कोई पूछने की बात है? फिर उसके प्यार के साथ खोट क्यों करती है तू? कैसी खोट रे? देख बिंदिया, अपन लोग ठहरे अनपढ़, जाहिल ठहरे हम लोग। अपन लोग मुन्ना के लिए कर भी कह सकते हैं रे। अपन का मुन्ना अगर वहां जाएगा ना तो उसे खूब जी भर के पढ़ाएंगे लोग। अपन का मुन्ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फौज का बहुत बड़ा अफसर बनेगा, दुनिया में बहुत नाम कमाएगा अपन का मुन्ना। हाँ, और फिर अपन लोग को कितनी खुशी होगी, जवाब दे, अपन लोग को बहुत खुशी होगी ना? तुम अपन का छोड़कर क्यों चले आई? मेरा मुन्ना,
चमन्ना अपन चलते हैं। आपके ऐसा हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमें एहसास है आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, आपको कितना दुख हुआ होगा। दुखों से तो अपन का नाता है बहुत करीब का। अपन का मन्ना आपकी अमानत था, आपको पहुंचा दिया। भैया हम मुन्ना को आपकी अमानत समझकर पालेंगे। ये पहले भी आपका था और हमेशा आप ही का रहेगा। इसे अपने से कभी अलग अलग तो बहन जी। छोड़ी बहन जी, मुन्ना की बात मत कीजिए, चलता हूँ। मामा तुम सभी यहाँ चले आओ। नहीं बेटे, जब तुझे अपने मामा मम्मी की याद आ जाए ये बजाना। ये मूर्ति भी तो अपने मुन्ना का है। जाओ मुन्ना के पास। आया मेरे को पूछता था मुन्ना के साथ उसका प्यार भी छोड़कर आए रे। नहीं, मुन्ना का प्यार को खिलाना थोड़ी है जो उसे छोड़कर चला जाता है। विद्या बचपन में अपने चाचा का प्यार पाने के लिए उनकी बहुत मार खाई, चोर बने, जवानी में जेल किया हुआ। फिर भी जब अपन को चाचा का प्यार नहीं मिला तो अपन को प्यार से ही नफरत हो गई। हमने फैसला कर लिया कि अपन किसी से प्यार नहीं करेंगे, जिंदगी किसी न किसी तरह गुजार देंगे। लेकिन मन्ना ने अगर अपन के दिल को झिझोड़ दिया, अपन ने बहुत कोशिश की कि पत्थर बदल जाए लेकिन कामयाब न होगा। और फिर पता है तू अपन की जिंदगी में कहां से आ गए। अपन ने तुझसे दूर भागने की जितना कोशिश करते रहे उतना ही तो नजदीक आती गई। खैर मुन्ना तो जिसका था उसके पास चला गया, अब अपन का सहारा तू है। तू भी अपन को बहुत चाहती है ना। अरे बहुत चाहती हूं। तो फिर अपने माथे पर बिंदिया लगाने का हक अपन का दे दे। मेरी कैसे हो सकता। क्यों अपने तो बाल विधवा है रे। बाल विधवा? अपन को तो मालूम भी नहीं कि कब अपन की शादी होगी, कब अपन की जिंदगी खत्म होगी। जब तेरे को नहीं मालूम तो अपन को भी मालूम करने की क्या जरूरत है। एक बिंदिया अपन तुझसे शादी करेगा, अपन तुझसे जरूर शादी करेगा। माँ, नाना मुझे प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। तेरा प्यार ही तुमको यहाँ ला रहा है। माँ नाना को हमारे मामा मामी पास ले चलेंगे। जरूर ले जाएंगे बेटे। चाचा एक बहुत अच्छी खबर है। क्या? मेरे पिताजी आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं? कब? आ चुका होगा, किसी भी समय आ सकते हैं। चाचा आपसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। तुम चलो, मैं अभी आया। जीती रहो मेरी बच्ची।
मुन्ना नाना जी के पैर छू। अरे मुन्ना मुन्ना मेरे बच्चे, तू अपने नाना जी को छोड़कर चला गया था ना, अब कभी नहीं जाना मेरे बच्चे, कभी नहीं जाना। हाँ बेटी, उस भले आदमी से तू मिलवाओ जिसकी बहुत एहसान है मुझ पर। अभी मिलवाती हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, मुझे काम पे जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छी बात, शाम को मिलूंगा मैं। आइए पिताजी आइए। हाँ बेटी। बेटी शेरा यहाँ रहता है? हाँ। कहाँ है वो? बाहर गया है, आता ही होगा। तुम कौन हो बाबा? इंडिया आया। अरे तुमसे मिलने की उम्मीद छोड़ चुका है, लेकिन भगवान हम तो खियारों पर दया आएंगे। ये कौन? हमारी बच्ची। कहाँ है तुम्हारा मामा? यही पास में रहता है पिताजी। नहीं भिन्नो नहीं, बिंदिया की शादी शेरा से नहीं हो सकती। बहुत अच्छे चाचा, आज तक तुमने अपन के साथ इतने जुल्म किए, उनसे तुमको तसल्ली नहीं है, और अब अपन की जिंदगी में पहली बार जरा सी खुशी नजर आई तो उसे भी छीनने चले आया। बहुत हो गया चाचा, अपन बिंदिया शादी करेगा और जरूर करेगा। ये शादी नहीं, तेरी बर्बादी है। अरे वाह, आज अपन की बर्बादी की बड़ी फिक्र हो गई है तुम्हें, हाँ? और बचपन में जब अपन को चोर बनाया था उस वक्त ये ख्याल नहीं आया था? मैं तुझे तुझे कैसे समझाऊं बेटा? ये ले जेवर जो मैंने तुझसे चोरी करवाया था, तेरे तू सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चल धन्नो, चल बिंदिया। नत्थू, बहुत बरसों तक तुम मुझसे छुपा रहा, आखिर तुम मिल ही गए कमीने, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मुझे माफ कर दो ठाकुर, मैं अपनी बीवी और बच्ची से बिछड़ने के गम में पागल हो गया, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करने के लिए इतने बरसों तक मर मर के नहीं किया, तुझे कुत्ते की मौत मारने के लिए जिंदा रहा। पिताजी ये क्या नाच कर रहे हैं आप? यही है वो देवता जिसने आपकी बेटी की इज्जत बचाई, अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल की। बेटी तू इसे नहीं जानती, इसमें भी इसकी कोई चाल होगी, अब मैं इसकी कोई चाल नहीं चलने दूंगा। चाल चलना तो तुम अमीर लोगों की आदत है, अपनी झूठी इज्जत और अंधविश्वास के खातिर तुम अमीर लोग गरीब लोगों पर जुल्म करते हो। एक घड़ा पानी के लिए तुमने चाचा को उसकी बीवी और बच्ची से अलग कर दिया, इसका घर भगवा दिया, सारी बस्ती में आग लगवा दी, और आज जब इतने वर्षों बाद चाचा अपनी बीवी और बच्ची से मिला तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए अलग करने आ गए। भाई जयमल सिंह, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो गोली गरीब को मार सकती है वो अमीर की भी जान ले सकती है। भगवान का नाम ले लो जयमल सिंह। नहीं शेरा, जिस धरती पे गंगा जमुना बहती है उस पे बेटे के हाथ से बाप का खून नहीं बहता। हाँ ठाकुर साहब, शेरा आपका ही बेटा है। शेरा मेरा बेटा है, मेरा प्रताप है। ठाकुर साहब, आज मेरे पिछले पापों का प्रायश्चित हो गया, आपका बेटा आपको मिल गया, आपके जवाहरात आपको मिल गए, अब मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। चल धन्नो, चल बिंदिया। बिंदिया नहीं जाएगी चाचा, बिंदिया अपन की होने वाली बीवी है। प्रताप जमींदार साहब, ये सोच रहे हो आप कि ठाकुर के लड़के की शादी एक अछूत के साथ कैसे हो सकती है? मगर यहाँ तुम्हारे सिवाय कोई ठाकुर नहीं जमींदार साहब। जिस अछूत के छूने से तुम्हारे तालाब का सारा पानी भ्रष्ट हो गया,
उसी अछूत ने मुझे, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे मुन्ना को पाला है। तुम्हारे हिसाब से तो हम सब भ्रष्ट हो चुके हैं जमींदार साहब। क्या तुम्हारा पवित्र खून हम अछूतों को अपना सकेगा? कोई जवाब नहीं ठाकुर साहब। तुम्हारे पास कोई जवाब है चाचा? तुम्हारी बुजदिली के कारण ही आज तक तुम नौकर बने रहे और ये मालिक, ये ठाकुर बने रहे, और तुम अछूत, तुम जैसे नासमझ लोगों के कारण और ठाकुर साहब जैसे अत्याचारी आदमियों की वजह से आज तक समाज से जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट पाया। और तुम लोगों के नफरत बदले के चक्कर में अपन बेकसूर लोग मारे जाते हैं। बहुत हो गया चाचा, बहुत हो गया ठाकुर साहब, अब हम बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लो अपने जवाहरात, चल भैया, इन लोगों को अपने लफड़े में फंसा रहे थे। अपन वैसी जगह चलते हैं जहां इंसानियत होगी, भैया सब चैन होगा। शेरा रुक जा, सच बात आज मेरी समझ में आई। लड्डू अपने हाथों से मुझे पानी पिला दे। ठाकुर साहब, मैं? ठाकुर नहीं, संबंधी। आज से तुम मेरे संबंधी हो और बिंदिया मेरी बहू। इतना ही काम है मेरा, ओ इतना ही काम है मेरा, बस काम किसी के आना। बरसों से जो दिल बिछड़े हैं उनको गले मिलाना। आओ हम सब मिलकर तोड़े, आओ हम सब मिलकर तोड़े नफरत की दीवार। मैं यारों का हूँ यार।